दादा जय गुरु, जय श्री गुरु, श्री जय जय गुरु। गुरु आज्ञा। वंदे लोकतिलकम सत्तुतवार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणं प्रबुदं लोकजीवनम प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव ये चतुर्देवंकर चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवारर समस्त बरेण्य सदस्यंकर श्रीपयरे मोर भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुछि। आजर ये पवित्र सकाळर आयोजित आभासी सत्संगर बरेण्य संचालक श्रद्धास्पद सुभाष भाई पूज्य ऋतिक देवता मंडली कर्मी भाई वृंद गुरुभ्राता मंडली कल्याणमयी माँ मान स्नेहर कुनि कुनि पिला माने समस्तंकु मोर यथाजोग्य प्रीति प्रणाम राव जय गुरु। आज ये प्रभात आम समस्त अत्यंत मधुमय एवं प्राणमय होती परम पिता श्रीचरण से भाई और माँ मान विशिष्ट विशिष्ट संगीत शिल्पी मान निजर स्वकीय प्रतिभा भितर दे परम पिता आतुल चरण से संगीत मध्यम भक्तिर पुष्पाजलि निवेदन करतीपाई दयाल आतुल चरण से समस्त सार्विक कल्याण एवं इष्टिपुत सुदीर्घ निरामय जीवन मोर वैकांतिक प्रार्थना निवेदन कर दयामय आज परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनंत कथा को वास्तव भाव तुले धरवा चेष्टा करवा एकांत दृष्टता आज जो विषय वस्तु रखा जाए साधना यह अत्यंत कठिन व्यापार आलोचना करवा तेरे मुझे हाथ जोड़ी क्षमा प्रार्थना करे मोर सीमित बुद्धि सीमित ज्ञान सीमित प्रज्ञा भितर दे जिते टिके बुझी से कथा गुड़िक आपण मान पाखे परिप्रकाश करने व्यतीत मो पाखे कौन सी शक्ति और सामर्थ्य ना यहाँ मुक्त कंठ से स्वीकार कर पारे मो संबंध में जो कथा कहले सुभाष भाई वास्तव में से सब गुणर मो अधिकारी नुह हीन अकिंचन टीए परम पिता जीवन से जौवन प्रारंभ रु गुरुपद वरण कर जीवनादर्श को जीवन में पाथ्य कर चलार जो प्रयास कर जीवन जिते टे रंग लगी रंग ही हूँ मो जीवन सबकि आई कथा गुड़िक आपण मान सम्मुखें परिप्रकाश करने को चेस्टा करी आतीत मो पाखे कौन सी संबल ना तेब 1950 मसीहा अक्टोबर मस 30 तारीख में विश्वर दुई जन श्रेष्ठ वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हेले सेमान हेले एमिली सर्ज एवं एम चैम्बरलैन जो मानकर गवेषणार संदर्भ थिला ये विषय वस्तु थिला एपर्यंत आम जानी गोटाए विश्व अच्छी सेमाने परिप्रकाश कले दुईट विश्व अच्छी गोटे हूँ प्रोटोनिक वर्ल्ड बा पार्थिव विश्व आ गोटे हूँ आंटी प्रोटोनिक वर्ल्ड बा अपार्थिव विश्व ये पार्थिव विश्व बा पृथ्वी रे वस्तु गुड़िक स्थूल अवस्था थिला बेले अपार्थिव जगत बा अपार्थिव विश्व बा एंटीप्रोटोनिक वर्ल्ड रे वस्तु गुड़िक ठीक तार विपरीत अवस्था थांती अर्थात सूक्ष्म अवस्था थांती किंतु ए दुईटी जगत भितरे प्रति मुहूर्त रे गुडा इंटरेक्शन चली कौ जदि सामान्यतम जदि टिके विक्षेप हुए ताले ये विश्व ध्वंस हो प्रलय हेबो एटा जे माने परिप्रकाश करचंती तेरे एक उदाहरण द्वारा तात्पर्य हूँ जे प्रत्येक आम मान जो जहाँ अच्छी विश्व ता अच्छी ब्रह्मांडे जहाँ विश्व अच्छी ता ब्रह्मांड जमी प्रोटोनिक वर्ल्ड आंटी प्रोटोनिक वर्ल्ड से भाव आम मान दुईट स्वरूप अच्छी गोटे हूँ प्रोटोप्लाज्मिक बडी आ गोटे हूँ एक्टोप्लाज्मिक बडी ए प्रोटोप्लाज्मिक बडी कहले आम स्थूल शरीर एक्टोप्लाज्मिक बडी कहले आम भाव शरीर कारण शरीर ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी रे आमर अच्छी आम शरीर अंग प्रत्यंग अच्छी इंद्रिय गुड़िक अच्छी तार भितर देखिए आम मैंने जीवन को उपभोग करूँ आम मान भितर यहाँ हूँ प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी रे क्षुदा अच्छी आहार अच्छी निद्रा अच्छी सबकि अच्छी या भितर एवं या सहित संप्रत अच्छी आमर एक्टोप्लाज्मिक बॉडी आमर आहार निद्रा भोजन सदन सबकि शयन सब भितर देखी आमर कर्म साधना भितर देखी आमर एक्टोप्लाज्मिक बॉडी टाइम से भाव पुष्ट हुए आमर शरीर सहित आम मनटा उत्तप्रोत भाव जड़ित
शरीर खाद्य ग्रहण शरीर चिंता शरीर भावना शरीर कर्म ए सब गुड़िक आम मानसिक अवस्था को भाव ये नियंत्रित करे। तेणु गोटाए शरीर सुस्थ रहिले मनटा सुस्थ रहिबो शरीर को सुस्थ सुंदर खाली करले हबो नै ता सहित मनटा को मध्ये सुस्थ सुंदर रखा पड़ो। तेणु एक तो मनटा को सुस्थ सुंदर रखिले मनुष्य भितर चेतना शक्ति ही जाग्रत हे जो मनुष्य भितर आम जो शांत मन में था से आमको जनकर कथाटा आम मान को जिते सहज ग्रहण कर पारू आमको जिते कथाटा भल लगे आम जिते अशांत हो उठू मानसिक अवस्था जो उद्वेलित हुए से आम मान को कौन सी कथा भल लगे ना से कहुए दि माइंड इज वार्म एक्सटर्नाल कोल्ड कैनट कुल इट जिते मनीषर मनटा जो उद्भ्रांत उष्ण अच्छी बाहर थंडाटा जिते मान से भितर जदि मान पहाड़ पहाड़ बरफ तापर नदी दिखती से भी थंडा शांत हवन तेणु मनीषर मनटा को सुस्थ रखापी हे तेणु ये मनटा को सुस्थ रखा एक्टोप्लाज्मिक बडटा को सुस्थ रखा पड़ो आमको आउ ये भाव शरीर चेतना शरीर ये चेतना शरीर को आम जिते उज्जवल कर रखा से हूँ सुंदर हम तेणु चेतना शरीर सहित बा भाव शरीर सहित आमर एक्टोप्लाज्मिक बडी स्थूल शरीर उत्तप्रोत भाव जड़ित तेणु ये स्थूल शरीर मुहरे आम समस्त बंधा जाइ खाइबा पीवा संतान उत्पादन करवा चाकरी करवा बाकरी करवा ये सब गुड़िक हूँ आम मान स्थूल शरीर धर्म किंतु आमर सूक्ष्म शरीर से चाहे क्रमे विवर्धित हम आवर्तन रधारा भितर देखिए क्रमे 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 उत्तरतर उत्तरतर चरैवती चरैवती धारे आर्धगति संपन्न हम यहाँ ही हूँ आम समस्त मान चेतनार चेतना शरीर ताही हूँ अभीप्सा से चाहे जे प्रकृत चेतना शरीर पांचटी अभीप्सा अच्छी ये पांचटी अभीप्सा कौन ना गोटे अभीप्सा है जे ज्ञानालोक गोटे अभीप्सा है ईश्वर अनुसंधान द्वितीय अभीप्साटी है ज्ञानालोक विचरण आ तृतीय टी हूँ जे स्वाधीनता चतुर्थ टी है प्रशांति आ पंचम टी हूँ जे जे अमरत्व लाभ तेणु यहाँ हूँ जे भाव शरीर यहाँ हूँ चाहिदा ये प्रथम टा है कौन ना ईश्वरानुसंधान ईश्वरानुसंधान मान ईश्वरानुसंधान मान है ईश्वर मान उत्स अनुसंधान मु किए मु कौठ आसी मोर कर्तव्य कौन मोर गंतव्य कौन यहाँ हूँ ईश्वरानुसंधान अर्थात उत्स अभिमुखी चलने उत्स को प्राप्त हाबाई से तद मान भाव भावित हो मान से दिगरे मान चल रहा हूँ ईश्वरानुसंधान आ द्वितीय टी है ज्ञानालोक विचरण ये ज्ञानालोक विचरण अर्थात ज्ञान शब्द अर्थ हूँ जानवा ज्ञान धातु अर्थ हूँ जानवा मुझे जानवि निज को जानवि निज को कौन जानवि ना मोर चाहिदा प्रकृति में कौन मोर प्रकृति आकृति कौन मोर गंतव्य कौन मोर गंतव्यर जे प्रकृति में केन्द्र किए एवं से जगार मुमी भाव में पहुंची पारि ये समस्त कथा को जानवाटा हूँ जे प्रकृति जे मनीषर जे ज्ञानालोक विचरण जिते बहुत ये ज्ञान रलोक ज्ञानालोक मान ज्ञान रलोक विचरण तेणु यहाँ हूँ ज्ञानालोक विचरण तृतीय टी है स्वाधीनता स्वाधीनता कौन ना स्वाधीनता आम साधारण भाव में बुझू जे गणतंत्र मान राजतंत्र विरुद्ध संग्राम कर विप्लव कर गणतंत्र प्रतिष्ठा करने बा कौन सी एक डिक्टेटर राज डिक्टेटर बा एक छत्रवादी शासक को आदिच्युत कर जड़े सिठी जड़े जे बेनिभोलेंट माने रूलर को अवस्थापित करवा यहाँ किंतु वास्तव में प्रकृत स्वाधीनता नुह स्वाधीनतार वास्तव अर्थटा हूँ आम मान भर जो अच्छी जो प्रवृत्ति अच्छी काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य युड़ कबल रु गंडी भितर निजक उद्धार करवा उद्धार करने भर देखि मनीषर मनीषर चेतना सत्ताटा ही प्रकृत निर्मल हम विमल हम आते स्वाधीन चिंता ही आसब ताक प्रकृत स्वाधीनता कह जाए जो मनीषा प्रवृत्ति द्वारा आच्छन्न से दुर्बल तार कारण हूँ तार स्वाधीन चिंता करार कौन सामर्थ्य से हर बस थाए से प्रवृत्तिर कबल उद्धार पाइबाटा हूँ प्रकृत स्वाधीनता सुअधीन हूँ स्वाधीन सुर अधीन हवा अर्थात समस्त कुकु त्याग कर प्रवृत्ति को त्याग कर निजर जीवन काल भितर जे ये प्रवृत्ति परामर्श जीवन ऊर्ध को जीवाटा ही हूँ ये प्रकृत स्वाधीनता आ चतुर्थटा है प्रशांति ये प्रशांति प्रकृत कौन प्रशांति मान नुह जे प्रकृत आम मैंने आज जो विज्ञान आमको केत गुड उपढ़ौकन देखिए ये उपढ़ौकन कौन सब ना टी ठार आरंभ कर आज मोबाइल सेट एंड्रॉइड मोबाइल सेट ये सारा विश्वटा जमी आमरी पाखे नाच गीत ठार आरंभ कर
राति रे देखा जाउथवार ब्लू फिल्म थारु आरंभ करी ये सब जेमिति आम पाखरे मिल जायछि लोक सेतरे हजि जायछि लोक सेतरे मजि जायछि किंतु ताहा किंतु वास्तव रे प्रशांति नुहो। प्रशांति कोन ना जेतेबेले घरे भितरे मु रहिछि आउ मोर पुओटा मोर बोली मने मोर बोली मने हो नाही मोर स्त्रीटा मोर बोली मने हो नाही आउ पुत्र पुओ मने बहु नाती नातुणी से माने मोठार बहु दूर रे आउ वृद्धा स्त्री आज मोठार मने दूर रे आउ एकमात्र जे वृद्ध टीए बसी अशीतपुर वृद्ध टीए बसी खाली अतीत को रोमंथन करिबा बेत तो बाट किछि नाही तले आसिला कोटी प्रशांति प्रशांति नाही। प्रशांति सेतेबेले आसे मनीष हृदय जेतुले पुओटे बापा पाखरे गदगद कंठरे प्रणति निवेदन करे मार पाखरे गर्भधारिणी मा पाखरे निजर समस्त किछि विनम्रतार सहित निजर कृतज्ञता प्रकाश करे स्त्री पाखरे निजर माने स्नेह श्रद्धा दे समस्त को आपणार बोधरे बांधि पारे ए हृदयवत्ता भितर देखि जेतुले मनीष समस्त को आपणार करि पारे अनेक लोकंकर हृदय देवता हृदयेश्वर हेई पारे आउ अनेक लोकंकु हृदय भितरे बांधि हृदय सिंहासन रखे पारे तले सेही होची प्रकृत रे प्रशांति रे प्राप्ति कारण सेही शांति रे मरी पारिबो। तनो आउ चतुर्थ पंचमटी हला होची जे आम मानकर जे अमरत्व लाभ कहले अमृतत्व लाभ अमृतत्व लाभ माने अमरत्व लाभ माने मृत्यु को जय करिबा अर्थात मृत्यु को केमती मनुष्य जय करि पारिबो समस्तंकर त मृत्यु अछि त मृत्यु जय करि पारिबो कोन वर्तमान मृत्यु विरुद्ध संग्राम चलती वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु चिकित्सा विज्ञान प्रभुत भाव में उन्नति साधन कर रोग निराकरण शक्ति बढ़ाई दि जाए हे तो मनीषा षाठी वर्ष बंचुला हे तो अशी वर्ष बंच पचास पचास पचस्तरी वर्ष बंच लाइफ स्पैन टाक प्रलम कर दिया जावा कि वास्तव में लाइफ स्पैन टाक प्रलम करदे मनीष मृत्यु विरुद्ध विजय के हासिल कर मृत्यु विजय विरुद्ध विजय हासिल करने को आम भितर जो चेतन शक्ति अच्छी चेतन शक्ति टाक जाग्रत करवा पड़ो मनीष जाति स्मर हो आम कौन करू देखो जो गोटे पुराणा लुगाटे चिरी जाऊँ आम नुआ लुगाटे आणुचु आम जो पुराणा लुगाटा फिंगी दौचु नुआ लुगाटा पिंधि पकोचु कि नुआ लुगाटा पिंधि पकेले आम पुराणा लुगापाई मन कष्ट करूना ठीक से हीपरी भाव जदि चेतना शक्ति कारण मो भी चेतना जी हूँ जे पोशाक परिधान करछंती पोशाक परिधान करिबा भितर देखि से पुरुणाटाकु आ लाइक करनाती नुआटाकु से लाइक करि चालछंती ठीक सेई परि भाबरे आमे किंतु जीवनर मोहरे एपरि भाबरे बंधा हे जाइछु जे आमर एई जो जरा जिन्न शरीर भितर देखि आमे समस्त आबद्ध ए स्थूल शरीर भितर देखि आमे आबद्ध जदि आमे सूक्ष्म शरीर भितर जदि विराजमान करथांतु तले से सूक्ष्म शरीरटा जतबे आ गुटे भितर विराजमान करिवो सेतबे दुख काहे के हबो जातना काहे के हबो जंत्रणा काहे के हबो ताई होची अमरत्व लाभ जाति स्मर प्राप्ति हवा शिशु ठाकुर कहउचंती सेइत पई कहउचंती पावर जदि किछि थाके ताई होची अमर जाति चेतन जाति स्मर जदि मनुष्य चेतन जाति स्मर हुए ताले तार चेतनाटाई जीरो जागृत हुए तेणु ताई होची मृत्यु विरुद्ध संग्राम तेणु चेतन चेतनशील हवा एवं चेतनशील हई चेतना को ए जन्म रु से जन्म प्रजन्म पर प्रजन्म ताकु प्रलंबित करिबा जहा फल कि मनुष्य भितर जे चेतनार विलोप हब ना चेतनार विलोम नहीं होचे प्रकृत रे मृत्यु तेणु ये पांचटी अभिप्सा अच्छी पांचटी अभिप्सा को जे परिपूर्ण करिबा आम प्रति प्रत्येक हूँ कर्म तेणु केमती तेणु से एक्टोप्लाज्मिक बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी भितर देखि एक्टोप्लाज्म बॉडी को जे संवर्धित करिबा विवर्तित करिबा ताही होचे जीवन रो साधना तेणु से आम मान को बुझा पड़ कारण श्री श्री ठाकुर मैग्नेटिक टेरवाणी कहते बिकमिंग इज द क्राय ऑफ एक्जिस्टेंस एंड द एक्जिस्टेंस वांट्स टू एंजॉय इट थ्रू द एंजॉय द यूनिवर्स थ्रू इट एंड फील्स एक्जिस्ट डू दाउ वेलकम द बिकमिंग द अपील मूव विथ एवरी नर्चर विथ एवरी नर्चर एंड दैट इज द एलिक्सियर ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ श्री श्री ठाकुर सुंदर भाव एक कहवा चाहते बिकमिंग इज द क्राय ऑफ एक्जिस्टेंस प्रत्येक जो सत्ता अच्छी जो शरीर अच्छी स्थूल शरीर अच्छी शरीर भितर जो सत्ता अच्छी ये सत्ता चाहे विवर्तित हवापी बिकमिंग दिगरे गति करिबा बीइंग एंड बिकमिंग दिगरे गति करिबा पई तेणु बिकमिंग इज द क्राय ऑफ एक्जिस्टेंस एंड एक्जिस्टेंस वांट्स टू एंजॉय द यूनिवर्स थ्रू इट आउ ए जो आम जो एक्जिस्टेंस आम जो सत्ता ये चाहे हूँ जे ए विश्वटा को उपभोग करिबा पई तार भितर देखि ए जो बिकमिंग भितर देखि आउ से बिकमिंग से श्री श्री ठाकुर कहते जे बिकम डू दाउ वेलकम बिकमिंग तेणु आमको बिकमिंग अर्थात बिवर्तन को बिवर्तन को ही आम मान को आमंत्रण करवाक पड़ो बिवर्तन टा कौन ना टंका सुनार बढ़ती गले बढ़ती नुह आज टंका सुना अच्छी काली ना जो मैंने प्रकृत में आप देखते जो मैंने मानने
ୟୁକ୍ରେନ ରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ସର୍ବରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅନାହାରରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଇକି ବି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଟଙ୍କାଟା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହୁଏତ ଆଜି ଖୁବ ଜଣେ ମାନେ ଜିମ୍ରେ ଯାଇକି ହୁଏତ ସାଧନା ଭୋଜନ କରିକି ତାହେଲେ ମସଲମ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନ୍ସର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ଦେହରୁ ପଳ ପଳ ମାଂସ କୋଉ ବାଟରେ କଟିଯିବ ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଯୋଉ ଚେତନ ସତ୍ତା ଅଛି, ଏଇ ଚେତନ ସତ୍ତାଟାକୁ ହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା। ଆଉ ସେଇ ସାଧନାରେ ଯଦି ମଣିଷ ବ୍ରତି ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ ମଧୁମନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସାଧନା ମାନେଇ ସେଧେ ନେୱା ନିଜ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱତେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହଏ ବୋଧ ବିନାୟନୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱତେ। ସାଧନା ମାନେ ସେଧେ ନେୱା ସ୍ମରଣ ମନନ କରଣ ତେ ଅଭ୍ୟାସ ଏତେ ସ୍ୱତଃ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ ହେ ଉଠେ ତାତେ। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଆମମାନଙ୍କ ଚଳଣି ଚରିତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଧୁମୟ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟା ହିଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ, ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିବା କେମିତି କରିବା, ଏ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଅଛି ପିତ୍ତଳ କଂସା ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ମା ମାନେ ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଯୋଉ ଧାନର ତୁଷ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଷିକି ଚକ୍ ଚକ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି 5 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଯଦି ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସବୁ କଳା 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 ସବୁ ଘଟା ସବୁ ଲାଗିଯାଏ, ତାକୁ ଘଟା ଲାଗିଯାଏ କୁହାଏ। ଏଇ ଘଟାକୁ ମାନେ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡେ। ବେଳେବେଳେ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଦେଇକି ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ତାକୁ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଦେଇକି ରୀତିମତ ଭାବରେ ମାଜିଲେ ସେ ଚକ୍ 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 କରିବ। ତେଣୁ ସେ ମାଜିବାଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ମାଜିବାଟା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ର କଂସା ପାତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର, ଇଏ ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ର ଗୁଡିକୁ ମାଜିବାର ପ୍ରୟୋଜନଟା ଅଛି ଏହି କାରଣରୁ, କାରଣ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଯୌଗିକ ଧାତୁ। ଏ ଯୌଗିକ ଧାତୁର ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଭିତରେ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ତା ଉପରେ ସବୁ ଘଟା ସବୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଘଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଘଟାକୁ ଘଟା ଠାରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଜା ଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀରର ଯେ ରକ୍ତ ଭିତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି, ଫସ୍ଫରସ ଅଛି, ସଲଫର ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଯେତେ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଆମର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆମ ଶରୀରର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଭିତରେ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପଟାସିୟମ ଆଉ ସୋଡିୟମ, ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପଟାସିୟମ ଆଉ ସୋଡିୟମର ଯୋଉ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, ଯେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର ତରଙ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ତରଙ୍ଗଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିନାୟିତ କରି ନ ପାରିବା, କେନ୍ଦ୍ରାୟତ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟରଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଇକି ଆପଣ 10 ସିଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ ଧରିକି ଯଦି ଆପଣ ଟିପି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେଇ 5 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଭିତରେ ସେ ତାର ଛାୟାଟା ପଡିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆଗକୁ ବି ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କିନ୍ତୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟରଟା ଥାଏ, ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟରଟା ରହିଲେ କଣ ହବ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଲୋକ ଫୋକସିଂ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଜ୍ୟୋତିର ତରଙ୍ଗ ଯୋଉ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ତରଙ୍ଗକୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାୟତ କରାଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯଦି ବିନାୟିତ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମର ଶରୀରର ଜ୍ୟୋତି ବଢେ, ମନର ଜ୍ୟୋତିଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ଆଉ ମନ ଆକାଶଟା ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଏ। ତାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା, ସାଧନା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା, ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହେବା, ଇଷ୍ଟ ନାମ ମନନ କରିବା, ତାହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାଧନା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସାଧନା ବି ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ, ଯେଖାନେ ତୁମି ଯାଅ ନା ଯେନ ଥାକ ନା ଯେଖାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ସେବ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉ କାମ କରୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଇ ଜଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ସେ ଠାକୁର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତି ସ୍ୱସ୍ଥ ସଦାଚାର, ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଜୀବନରେ
परिपालन करबा पड़िबो आ ता नहले हुएना श्री श्री ठाकुर कहउचंती नामेर मतन नाइ को जिनिस निष्ठावरे करले नाम नामियो नामी गुण ब्रंजनाय साधिले सिद्धि हुएना बाम कहउचंती ठाकुर कहिबार कहउचंती नामेर मतन नाइ को जिनिस ए जेमिति आपण सुडा दउचंती लुगाटा को सफा करबा पई डिटर्जेंट दउचंती सेमिति मनटा को शुद्ध करबा पई आत्माटा को शुद्ध करबा पई शरीरटा को शुद्ध करबा पई डिटर्जेंट होउची नाम नामेर मतन नाई को जिनिस नाम भलिया दुनिया जिनिस किछि नाई नामेर मतन नाई को जिनिस निष्ठावरे करले नाम निष्ठावरे जदि नाम करा जाय तने गुण नामियो नामी गुण व्यंजन है साधिले सिद्धि हुए ना बाम तेणु जदि नामी ओ नामी गुण व्यंजन भितर देखि ए साधिले सिद्धि केवे बाम हुए ना ये निष्ठार सहित करवा पड़ो ये निष्ठा मान प्रकृत कौन आम बुझुना निष्ठा मान आम भावू सका उठी टे भल भाव गाध पड़े आउे ठाकुर चंदन टे लगेदे मथा टे मारिदे मथा नट कर प्रणाम नवेदन करदे आम से सबकिा हूँ निष्ठा कितने कबीर साहेब कहते नीत मीराबाई कहते नीत नहने से हरी मिले तो जल जंतु हय फलमूल खाकर हरी मिले तो बादुर बांदुराय दूध पीने से हरी मिले तो बहुत बचरा वाला मीरा बोले बिन प्रेम से न मिले नंद लाला कहते सुंदर भाव कहते मीरा कहते कहते नीति नहाने से हरी मिले तो जदि दैनंदिन स्नान करने भितर जी प्रकृत हरी मिली जाऊे जदि प्राप्ति होता तेने जल जंतु है जल रुवा कंकड़ा कुंभीर मछ एम तो प्रकृत मुक्ति पाई जाते से ततला कड़े पड़ी टक टक हवाक पड़ता नहीं नीति नहाने से हरी मिले तो जल जंतु है फलमूल खाकर हरी मिले तो बादुड़ बांदुराय यदि फलमूल खाइबा फलमूल सात्विक आहार भोजन करवा तामसिक आहार भोजन करवानी ये सब हूँ जब फलमूल खाइबा द्वारा जी प्रकृत हरी मिलते बादुड़ बांदुराय बादुड़ी आंदर बांदर मान माकड़े तो मुक्ति पाई कहीं प्रत्येक दिन से फल खाऊ तो अन्य किसी खाते बादुड़ बांदुराय पुणी कहते दूध पीने से हरी मिले तो बहुत बछरा वाला यदि दूध पीवा द्वारा जी प्रकृत हरी मिलता मुक्ति होता ताले बछरा बाछरी मैंने बाछरी बक्सा ये बाछुरी टा मत दैनिक जर्सी गाय बाछुरी तो दैनिक गोटे लिटर उर्धव कि दि लिटर दूध पी दौर तो बहुत पीछे बहुत बछरा वाला मीरा बोले बिन प्रेम से न मिले नंदलाला मीरा कहते बिना प्रेम ये प्रकृत से नंदलाला अर्थात से परम पुरुष को मनुष्य प्राप्त हो पारना तेणु नंद कहले नंद धातु आसला नंद शब्द अर्थ हूँ प्रकृत वृद्धि जी वृद्धिदाता जी हूँ वृद्धि उत्स जी हूँ वृद्धि मूर्त प्रतीक सी के प्राप्त हो पार ना तेणु जीवन में गोटे कथा हूँ प्राप्त हवा तेणु प्राप्त हवापाई जीवन में चरम साधना करवाक पड़ो से परम पुरुष को लेकिन ताबतीत जिते साधना श्री श्री ठाकुर कहते हसन जोगी हसनार धानी गोसाई गोविंद जाना होश जजन जाने इष्ट वृत्ति ना कले तु कि नोस कह हसनार जोगी हसनार धानी गोसाई गोविंद जाना होश तु गोसाई है जोगी दसटांग जोग साधना करी तु ज्योति दर्शन सबकि दर्शन हो जाऊ तेणु हसनार जोगी हसनार धानी गोसाई गोविंद जाना हस जजन जाने इष्ट वृत्ति ना कले तु कि नोस तु जजन जाने इष्ट वृत्ति न कले किसी हम ना जहाँ करवा पड़ो निष्ठा सहित करवा पड़ो ए निष्ठा मान हूँ श्री श्री ठाकुर कहते निष्ठा मान लगे थका अस्खलित अंतरे आनुगत्य तारी भी स्मृति ख्याल कै निष्ठा बढ़ाए मेधा शक्ति निष्ठा बढ़ाए तंत्र बल मंत्र बल निष्ठा आने तंत्र वेद निष्ठा बढ़ाए जंत्र बल निष्ठा आने जीवन द्युति स्थित पा निष्पादन निष्ठाई तो कृति तीर्थ निष्ठाई तो सत्कृति बोधन निष्ठा मान ही लगि रहा अस्खलित अंतरे से पुओ टे पुअर परीक्षा खराब हो गला ठाकुर को आज छाड़देली कल स्त्री देह खराब हो गला कौन करी ए ठाकुर 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 किसी शुणुना तेणु निष्ठा मान हूँ लग रहा अस्खलित अंतरे कौन सी भाव स्खलन ना आनुगत्य तारी विवाह आनुगत्य मान अनुपसर्ग गम धातु मान अनुसरण कर चलवा तारी हूँ विवाह विवाह मनुष्य जिते अनुसरण कर चले विवाह मनुष्य विभान्वित हो उठे देखू जिते जदि आप सूर्य आड़ को जदि माने कौन करिवे ना अनेक चलिए से सूर्य रश्मि आप स्नात हो जाए ठीक से भाव जन जे आलोक धरी जे आलोक व्यक्ति पाखे जी आप ढा हे से आलोक ज्योति आपण को शरीर को ज्योतिर्मय कर तेणु से आम जो परम पुरुष को अनुसरण कर जीवन चलू
ତାଙ୍କର ଦ୍ୟୁତିରେ ତାଙ୍କର ବିଭାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ଉଠେ ଆଉ ସ୍ମୃତି ରଖେ ଆଲୋକରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ମୃତିଟା ଆଲୋକରେ ରହେ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ଆସେ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମେମୋରି ସବୁ ଫେଲ୍ କରିହଉଛି ମନେ ହଉନି। ମୁଁ ଅନେକ ବୁଢା ଲୋକ ଦେଖିଛି, ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଚାରିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କିଛି ମନେ ରହୁନଥିବ, ପଚାରୁଥିବାରେ ତୁ କିଏ ରେ, ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅମକେ, ଆରେ ତୁ ଅମକେ ମାନେ କିଏ ଅମକେ ରେ, ନା ତୋ କଣ ତୋ ବାପା ନା କଣ, ତା ବାପା ନା କହିଲେ କହିବ ତାହେଲେ ତୁ ତାରି ପୁଅ, ତାରି ପୁଅ ନା, ତାହେଲେ ସ୍ମୃତିଟା ଆଲୋକରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏ ଆଲୋକରେ କେତେବେଳେ ରହିବ, ଯଦି ଗୁଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ଗଭୀର ଆନୁଗତ୍ୟ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସ୍ମୃତିଟା ଆଲୋକରେ ରହେ ଆଉ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶ ହୁଏ ନା। ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଅମର ଚେତନା ଲାଭ କରିବା, ଏ ଅମର ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ନିଷ୍ଠା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଆଣେ ତନ୍ତ୍ର ବେଦ। ତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ତନୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଲା ତନ୍ତ୍ର, ତନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ଏ ତନୁ ମାତ୍ରା ଭିତରେ ମାନେ କଣ କଣ ଅଛି, ଏଠି ଇଡ଼ା ଅଛି, ପିଉଳା ଅଛି, ସୁଷୁମ୍ନା ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ମୂଳା ମାନେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଅଛି, ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଅନାହତ ମଣିପୁର ବିଶୁଧାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଶିବଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବିଷ୍ଣୁଲୋକ ସହସ୍ର ଦଳ ତ୍ରିକୁଟି ଦଶମ ଦ୍ୱାର ଭ୍ରମର ଗୁମ୍ଫା ଅଲେକ ଲୋକ ଗମ ଲୋକ ନିଗମ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରଧାମ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ମୋର ଏଇ ଶରୀର ତନୁ ମାତ୍ରା ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଏ ନାମ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ଆଣେ ତନ୍ତ୍ର ବେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ତନୁ ମାତ୍ରାକୁ ଜାଣିବାର ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ନିଷ୍ଠା ବଢାଏ ଯନ୍ତ୍ର ବଳ, ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଚକ୍ର, ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ର କଣ କଣ ଷଡ଼ଚକ୍ର, ନା ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଅନାହତ ମଣିପୁର ବିଶୁଧାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ର ର ଯୋଉ ବଳ, ଏଗୁଡିକ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ମନର ବଳଟା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ର ମନ ତାର ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ମନକୁ ମାନେ ତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଆଣେ ତନ୍ତ୍ର ବେଦ, ନିଷ୍ଠା ଆଣେ ଯନ୍ତ୍ର ବଳ, ନିଷ୍ଠା ବଢାଏ ମେଧା ଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ବଢାଏ ମନ୍ତ୍ର ବଳ। ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ମେଧା ଶକ୍ତି କହିଲେ, ମେଧା କହିଲେ ହଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇ ମେଧା କହିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟା ଗ୍ରୋ କରେ କେତେବେଳେ, ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଚାଲେ, କେତେବେଳେ ହୁଏ ମେଧାଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ବଢେ, ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ଏବଂ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଚକ୍ରକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ଅଧ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ଥାଲାମସ୍ ପାଲ୍ପିଟେଟ୍ ହୁଏ, ଥାଲାମସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ପାଲ୍ପିଟେଟ୍ ହୁଏ, ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଯେ ପିନିଏଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପାଲ୍ପିଟେଟ୍ ହୁଏ, ପିନିଏଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଝରି ପଡ଼େ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ୍, ଏବଂ ମେଲାଟୋନିନ୍ ହରମୋନ୍ ଝରି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଭିତରୁ ମାତ୍ର ଯୋଉ ମାନେ 6% ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ 94% ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଉଠେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ଉଠେ, ଯନ୍ତ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମେଧାଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜଜମେଣ୍ଟ ରିଜନିଂ ଗ୍ରୋ କରେ, ଏବଂ ଏହାର ହଉଛି ଯେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସାଧନା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ କରନ୍ତି ନା କହିବାରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଚାହିଁକି ଧ୍ୟାନ କଲେ ହେଇଯାଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ ହଉଛି ତ୍ରାଟକ ବା ଫିକ୍ସେସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟବେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ପାଇବେ କଣ, ପାଇବେ ହଉଛି ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦୟାଳ ଧାମର ଦୟାଳ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆଖି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସୁପ୍ରାସିଆସମେଟିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ବା ଏସିଏନ୍ ଟା ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୁଏ, ଏସିଏନ୍ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ତାହିଁ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଯେ ପାଲ୍ପିଟେଟ୍ କରିଦିଏ, ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି ପିଟୁଟାରି ହରମୋନ୍, ଏଇ ପିଟୁଟାରି ହରମୋନ୍ ଗୁଡିକ ଆମର ମେଟାବଲିକ ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ କୁ ତାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଏ, ସୁତରାଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମଣିଷରେ ଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୌନ ଜୀବନ,
ताई प्रकृत रे श्रृंखलित हो जाए सेति पई ही जे प्रकृत रे आम मानकु सेही इष्टमूर्ति को ध्यान करबा पड़िबो जो इष्टमूर्ति को ध्यान करिवे सेही प्रकार भाव बोध सेही स्तर रे मनुष्य पहुंचबा पई सक्षम हो जाए जो स्तर परे स्तर अछि जो 18 टी स्तर अछि मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत मणिपुर विशुद्धाक्त आज्ञा शिवलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक सहस्र दल त्रिकुटी दशम द्वार भ्रमर गुंफा अलेख लोक अगम लोक निगम लोक सत्य लोक दयाला धाम एहिपरि भाव रे जो ध्यान धाम अछि एहि धाम रे मनुष्य पहुंचबा पई जे प्रकृत रे समर्थ हुए दयाल पुरुष को जितबे आज्ञा चक्र रे मनुष्य साधन करे सेतबेले प्रकृत रे से दयाल ईश्वरंकर अपार करुणा भीतर देखी जे तांकर धाम रे पहुंच मन मनुष्य पहुंच पारे तेणु जे भागवत सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि जे सत्संग सम्बन्धरे सत्साधना सम्बन्धरे कहा जायछि जे आम माने जदि जे प्रकृत रे जे तांकु अनुसरण कर जीवन रे चालू ताले से अनुसरण कर चालिबा भीतर देखी से परम धाम को ही प्राप्त हेता तद्धाम परणं परमंगति तांकरि धाम को मनुष जे प्राप्त हो जाए तेणु सुतरांग आमर ए त्राटक को त्याग करी आमर साधना हला इष्ट मूर्ति को साधन करिबा इष्ट मूर्ति को जदि आमे साधन न करि पारु जीवन रे किछि हुए ना गोटे वास्तव घटना आपण मान पाखरे माने कहिबि जणे माटी आसी सिद्र श्री श्री ठाकुर पाखरे प्रणति निवेदन करी कहउछंती ठाकुर जे आपण तो अनेक कथा कहिले आमु तो ए जन्म रे आपण सहित माने देखा साक्षात होउछि आमु पर जन्म रे कोन जे आपण को सान्निध्य लाभ करि परिबि सिद्र परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउछंती माने पर जन्म कहिले कोन बुझ तमे सिद्र श्री श्री ठाकुर कथा रे माटी किछि कहि पारु नांती श्री श्री ठाकुर कहते यही जन्म रहा हूँ पर जन्म ना पर जन्म बोली गुट किसी अच्छी से माटी कहूँ यही जन्म रहा हूँ पर जन्म श्री श्री ठाकुर कहते ओ जन्मे करी जो उन्नति अवनति ओटा तोर कर स्थिर पर जन्मे गति ओ जन्मे करी जो उन्नति अवनति यही जन्म जिते आम उत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रति नति स्वीकार करवा जीवन नत ही पाखे नत ही समस्त किसी भाव जीवन को जीवन पुष्क कर चलवा तेनाली तो कौन हम उन्नति अवनति ताई तोर करे स्थिर पर जन्म गति ताई तोर पर गर्म पर जन्म स्थित हो श्री श्री ठाकुर पचार आपण कौन आम को आम से जन्म पर जन्म परपारी कौन आपम को चिन्ह पारे श्री श्री ठाकुर कहते से तुम फोर हेड रे गोटे स्टाम्प हवा दरकार जे तुम्हें से परम पुरुष लोक बोली तुम मान फोर हेड अर्थात कपाल गोटे स्टाम्प लग जा दरकार श्री श्री ठाकुर कहते जरा नाम निए ए नाम करे चले तार स्टाम्प टाइ तार फोर हेड रे थाए सुतरा आमार लोक बोली चिन्ह जाए तेनालीर लोक बोली चिन्ह हाँपी हेले आम मान जीवन साधना करने को पड़ो से स्टाम्प टा हूँ कौन ना से इष्ट मूर्ति टा जदि आमर जमी गोटे पेपर देह आपण जे हूँ गवर्नमेंट रील टाक लगे दिखती भारत सरकार सिल टाक लगे दिखती से साधारण पेपर टा कौन हुए असाधारण रूपांतरित हो जाए आप गोटे सादा कागज किसी लेखिक फिंगी दिंतु कि गोटे गोटे मानने गवर्नमेंट मुहर लगी गोटे कैट्रिज पेपर हू गोटे बंड पेपर हू से जहा लिखिदेवे भारत सरकार ग्रहण करेंगे ए सारा विश्व ही ग्रहण कर मुहर टा जिते लगे अर्थात इष्ट मूर्ति जिते मस्तिष्क स्नायु कोश रे संजीवित होकर रही तेणु से जमदत्त आम मान को नेबे नहीं नेबे होची प्रभु रत्न सिंहासन आसीब से रत्न सिंहासन रे आम प्रवेश करी से परम धाम को ही गति करिबा एटा होची वास्तवता से जीवन रही चरम साधना से श्री श्री ठाकुर सुंदर भाव आम मानते कहते जप ध्यान जत ही करना मन टा शुद्ध ना हले गंध माचर जाए कि कखन तीन सदा थके जले जे आम जिते जप ध्यान जहा करना कहीं मन टा जी शुद्ध नाला मन जगत रि आम प्रतिष्ठा न कर पारे गंध माचर जाए कि कखन तीन सदा थके जले जल भितर तो मछटा रही तार मान जल जल दुईदे सब तो गंध चली जाए कि मेहटार गंधटा जाऊन केमी तेनाली तो देहर गंधटा मान जाए कारण से भाव जे आम मान कौन कर प्रवृतिर गंधटा को निरसन करने आम मान को से इष्ट रूप को ध्यान करने को पड़ो इष्ट भाव भावायत तो होगा पड़ो आ तारि भितर देखी प्रकृत रे आम मान कर्म संजीत करने पड़ो गोटे वास्तव उदाहरण आप सम्मुख देवी श्री श्री ठाकुर पाखक आसमणर माँ आप समस्त जानते रमणर माँ मैंने
जी हूँ जने विशिष्ट श्री श्री ठाकुर जने विशिष्ट साधिका जी माने जने जमीदार घर बहु थे आते जमीदार से मानते पीठ से गोटे कार्बंकल होता है से कार्बंकल टार अपरेसन से मानते गोटे कथा सब समय जिद धरते ठाकुर डाक्तर आम अपरेसन करेंगे एवं श्री श्री ठाकुर जाते कार्बंकल अपरेसन होता से भल हो जाते क्रमे क्रमे देखा जा जमीदार उच्छेद होगा सबकि चलीगला स्वामी चलीगले पुत्र चलीगले यही अवस्था भितर से मानसिक अवस्था हरई बसिले रुग्ण एवं मान रुग्ण एवं जराजीर्ण होगले श्री श्री ठाकुर दर्शन करते श्री श्री ठाकुर नहीं आ रमण माँ को खावाक पीवाक विभिन्न भाव मान मान अनेक प्रकार व्यंजन कर मानसिक दुरावस्था को दूरीभूत करने चेष्टा कर दिने श्री श्री ठाकुर रमण माँ आसी ठाकुर पहुंचती श्री श्री ठाकुर पूर्व कार्तिक पाल बाली जन भाई कहते कौन रमण माँ आमार दिखे आई जख तु तीन आमार का आसबे तुता एक कामुके पुरुष मसन तार दिखे ताकिए अर्थात जो रमण माँ मो पाख को आसब से जो कामुक पुरुष ता स्त्री को जमी चाहे रंगिला आखिरे तू से भाव मान चाहू आखि मारू से ठाकुर एक कथा कहले आमको जो गाली दें गालागाली करें ना कैन तुम्हें कि मानसिक अशांति भोग करबे ना जो रमण माँ आसिक ठाकुर प्रणाम कर ढाई कार्तिक पाल दा कौन कर चाहती काम कामनार दृष्टि चाहती टे मझे मझे टे आखि मार दौंस रमण माँ भीषण भाव उत्क्षिप्त होगी ठाकुर पछ बाटे जा मारे चेष्टा करवस्था भितर मानते श्री श्री ठाकुर कहते श्री श्री ठाकुर कहते रमण माँ तु कथा जाचिस तु कथा जाचिस से कहते देख तो ये कार्तिक दा आमार मत आमार दिखे एक कामुके पुरुष मतन ताकिए आमी कि तार स्त्री ना कि एम कर आमार दिखे ताकिए श्री श्री ठाकुर कहते तु तु तार दिखे चाचिस कैन रे तीन कि तोते खीते दीछे तोते तुन कि तुम्हें तुमार सुमार तुमार सुस्थ थाकार जन व्यवस्था करेछेन कला नाही ठाकुर आपनी करेछेन कला आमी जखन तोमार जन सब किछ करेछे तोर परजन्मे जेमन आमाके देखते पाबी तेमनी करे आमार दिके ताक ताकास ता नहले आमाके पाबी ना वास्तवरे श्री श्री ठाकुर जेमते गोटिए कथारे खाली रमणर मा पाई नुह ए समग्र विश्वर प्रत्येक मनुष्य पाई एहि ताथला श्री श्री ठाकुर वार्ता जे प्रकृत रे आमे तांकु पाइबा पई हेले आम मानक जीवन रे प्रकृत रे तांकु इस तांकरी साधना करिबा पड़िबो सेति पई श्री श्री ठाकुर कहउचंदी इष्ट तुमार दांडी आछेन जीवन भूमि रो पारो पारे आपन करे ने तारे तुई कर्म आचार व्यवहारे इष्ट तुमार दांडी आछेन इष्ट छिड़ाई चंती जीवन भूमि रो एपार रे से पार रे एपार कहले एपार रे कहले जीवन आर पार कहले मृत्यु पर जीवन आमर एक्टोप्लाज्मिक बॉडी और प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक लाइफ एक्टोप्लाज्मिक लाइफ ए दुईटा पाखरे सी अछंती आमे जदी तांकु आपण करि न पारु ए आपणा केमिति करिबा अनेक समय ध्यान रे मनुष्य बसिला बेले जे गोटाए सेकंड तांकु धरि रखिबा संभव हुए ना षोडश दल चक्र भितरे सुशोभित प्रभुंकर से दयाल रूप को मनुष्य जेतले गोटाए मुहूर्त रे तांकु टिके चाहि कि टिके जेतले नाम टा करि दउची वाडे जे चली जाउची मन तार ठिकणा नाही जन्म जन्मांतर कौ धूसर प्रकृति सब आसी आम मानसिक अवस्था को धूसरित कर दूरदूषरित कर दौची तार ठीक ठिकना ना कौ जन्म जन्मांतर कथा गुड़िक आसी मन भितर पहुंचला नाम चलती देखला बेलू मन तार कड़े बुलला तेणु से प्रकृत में कहते कबीर साहब कैसे सुंदर भाव मैंने कहते माला फिरे कर्मे जीवा फेरे मुख माई मनुआ तो दस दिश फेरे या तो सुमिरन नहीं माला फिरे कर्मे हाथ में माला चली जीवा फेरे मुख माई मुहरे जीवाटा उल्टी कहती कृष्ण 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 जीवा फेरे मुख माई मनुआ तो दस दिश फेरे या तो सुमिरन नहीं मन किंतु चौदह ब्रह्मांड बुलिबार लगी कौन प्रकृत सुमिरन एटा कौन प्रकृत स्मरण एटा कौन तर मनन ताकि वास्तव में ता नुह तेणु स्मरण मनन करने श्री श्री ठाकुर कहते इष्ट निशार प्रदीप जेले जीवन टाके रेखे आलो धी चक्षुते देखे सुने शुभ जहाई ताते चलो इष्ट निशाए प्रदीप जेले इष्ट निशार प्रदीप टा को प्रज्वलन करवा पड़ इष्ट को निशा करी आलोक जीवन दीपाटा को जय देवा पड़ इष्ट निशार प्रदीप जेले जीवन टाके रेखे आलो ये जीवन टा को आलोकित करवा पड़ झी चक्षुते देखे सुने झी कहले प्रज्ञा
ଏଇ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, କରୁଛି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲି କରିଯାଉଛି, କିଛି ବୁଝା ନାହିଁ, କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ, କିଛି ଭାବା ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ନାହି�, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ବସିକି ଖାଲି ମୋଡ଼ ମୋଡ଼ା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦେହରେ ଯେ ରଙ୍ଗ ମାନେ ରଙ୍ଗ ବୁଳି ଦେଲେଣି ତ, କେତେବେଳେ ଜଟା ଛାଡି ଦେଲେଣି, କେତେବେଳେ ମାନେ ଦାଢି ଛାଡି ଦେଲେଣି, ଏମିତି କେତେ କଣ, କେତେବେଳେ ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବୁଳି ହେଲେଣି ତ, କେତେବେଳେ ମାନେ ହଉଛି ନାଲି ମାଟି ବୁଳିଲେଣି ତ, କେତେବେଳେ ମାନେ ଚକ ଗୁଣ୍ଡ ବୁଳିଲେଣି, ତା ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କବୀର ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ାଏ ହରି ମିଲେ ତ ସବ କହିଲ ମୁଡ଼ାଏ, ମୁଡ଼ମୁଡ଼ାଏ ହରି ମିଲେ ତ ଭେଡ଼ର ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ। ଯଦି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ମାନେ ଯେ ହଉଛି ଯଦି ଜଟା ମୁଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ମୁଡ଼ମୁଡ଼ାଏ ହରି ମିଲେ ତ ସବ କହିଲ ମୁଡ଼ାଏ, ସମସ୍ତେ ତ ଜଟା ମୁଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା। ମୁଡ଼ମୁଡ଼ାଏ ହରି ମିଲେ ତ ସବ କହିଲ ମୁଡ଼ାଏ, ମୁଡ଼ମୁଡ଼ାଏ ହରି ମିଲେ ତ ଭେଡ଼ର ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଏ। ଯଦି ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ିକି ଯଦି ଦାଢି ମୁଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ଜଟା ମୁଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ, ଭେଡ଼ା କହିଲେ ମେଣ୍ଢା, ମେଣ୍ଢା ଦେହରେ ତ ବହୁତ ଲୁମ ଉଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଟା 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 ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମେଣ୍ଢା ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା, ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ହାତ କଲମେ ଅଭ୍ୟାସ ଛଡ଼ା ସ୍ତବ ସ୍ତୁତିର କି ଦାମ, ଅଭ୍ୟାସ ନା ଆୟତ ହେଲେ ଉରେ କିରେ ମନସ୍କାମ। ହାତ କଲମେ ଅଭ୍ୟାସ ଛଡ଼ା, ହାତ କଲମରେ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହାତ କଲମେ ଅଭ୍ୟାସ ଛଡ଼ା ସ୍ତବ ସ୍ତୁତିର କି ଦାମ, ବହୁତ ସ୍ତବ କଲି, ସ୍ତୁତି କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛଡ଼ା ମୋର ଜୀବନରେ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅସଲ ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟ ପୁନ୍ଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଞ୍ଚାଏ ମାନୁଷ ପାଖି ପୋଷେ, କତକରେ ରାଧା ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶିଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଯখন তারা রাধা বলে কৃষ্ণ বলে বাবা বলে মা বলে যখন কিন্তু বিড়াল ধরে তখন টেউ টেউ আর বাবা মা বারে না। অর্থাৎ পক্ষী কিটা পুষিকি রহলে খাইবাকু দেলে রাধা কৃষ্ণ নাম শিখাইলে আর বাবা মা শিখাইলে, কিন্তু যেতবে আসি বিড়াড়ি ধরলা সেতবে আউ বাবা বাহারা নাই কি মা বাহারা নাই, রাধা বাহারা নাই কি কৃষ্ণ বাহারা নাই, সেতবে কোণ না টেউ 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 টেউ। আমমানকর অবস্থা হিঁ সেয়া, অনেক কথা কহুছু, কোণ না গোপবন্ধু ভাই ভালো কথা কহুছন্তি। আরে ভালো কথা কইবার মানেটা কোণ, ଜୀବନର ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ସ୍ଥାନ ନ କରିପାରିଲି, ଯଦି ହନୁମାନ ତାର ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିଲା, ମୋର ବକ୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମୋର ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ପ୍ରତିଟି କଥା ଭିତରେ ଯଦି ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତା ଚଳନ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତତ୍ସନ୍ଦୀପ ହେଉଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାବରେ ମଣିଷ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତତ୍ ଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ଲୀନ ମାନେ ହଜିଯିବା, ମଜିଯିବା, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ମଜିଯିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଜିଯିବା, ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ମଜିଯିବା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଗୋଟାଏ ଖାଲି ଯେ ଆଇଡି ଖୋଲି ଦେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲଟେ ଧରିକି ବସି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, ବା ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଖାଲି 40 ମିନିଟ 45 ମିନିଟ ସାଧନ କରିଦେଲେ ସେଥିରେ ଜୀବନରେ କିଛି ଜାୟାସ ହୁଏ ନା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଉଠିବ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର, ତୃପ୍ତ କରିବାର, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବା ସମସ୍ତ ଶରୀର ମନ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଉଠେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ସର୍ଭ ଦାଇ ଲାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ଆଣ୍ଡ କେନ୍ ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ୟୁ ୱିଶେସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଭୂମି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲେଷ୍ଟ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସର୍ଭ ଦାଇ ଲାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ୍ ଆଣ୍ଡ କେନ୍ ଇନକ୍ୱିଜିଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କୋଉଥିରେ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ, କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଜାଣିକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନଟା ହିଁ ମଧୁମନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହିଁ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନର ପରମ ସାଧନା। ଆଉ ଏଇ ଚରମ ସାଧନାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତରେ ପରିବସ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଟା ହବେ କରବି ମହାପରାକ୍ରମେ, ଓଇଟି କର ଏଇ କରାଟ କର୍ତ୍ତେ ତୁମାଏ କୃତିରେ ଉତ୍ସଲ କ୍ରମେ କ୍ରମେ। ଏଇ ଯେ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେଇ ପାଇବି, ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗା ତାହା କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଜି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧର ଜନତା ଭିତରେ ଛଟପଟ କରୁଛି,
गोटे सामान्य भाईरस समग्र विश्व को धूलिसात करदेवाई प्रवृत्त हो उठी गोटाए पर गोटाए तार भाइब्रेंट को चेंज करी शक्तिशाली हो उठी पराहत करने आज मनीष पाखे कौन सामर्थ्य ना सिद्धि ना एकमात्र ये तांकर साधना तांकर नाम को मनन करवा से अंतर्जगत प्रत्येक मनुष्य अंतर्जगत से बीज को बपन कर मनुष्य मनुष्य मन जगत को निर्मल करदे श्री श्री ठाकुर से दिन श्री श्री ठाकुर कहते कबीर साहेब कहते मन ऐसा निर्मल भया जैसा गंगा नीर पिछु पिछु हरी छुटे कहे तो दास कबीर मनटा जदि गंगा जल भली पवित्र हो जाए तार पछे पछे हरी आसती हरी को खोजा को पड़े ना तांकर कर्म भितर मनुष्य निजक अर्पण कर दिए जीवन टाइम प्रकृत से आम मान को जीवन टाइम मधुमंडित हो जाए से श्री श्री ठाकुर कहते उषाय निशाए मंत्र साधन चलाए फेराए जप यथा समय इष्ट निर्देश मुहूर्त कराई तप जुषाए निशाए मंत्र साधन चलाए फेराए जप यथा समय इष्ट निर्देश जो समय से चाहते जहा करने साधना आ नकटा हूँ जे दुर्बलता कथा कहले कथा लंबी जीव दया असुस्थ लोक मुते समय कथा कहार डाक्तर प्रकृत मो प्रति गुड़ा निर्देश अच्छी न कहवाई तेज दया आतुल चरण से प्रार्थना नवेदन करी प्रति प्रत्येक शांति स्वस्थ आनंद उल्लसित ही उठतु आवेदन करी प्रति प्रत्येक भाई माँ मान परम पूज्य पा श्री श्री आचार्य देव जो अभीपसा था से अभीपसा को परिपूर्ण कर प्रत्येक प्राण से सही दयालंकर बीज मंत्र को ही स्थापन करवा विश्व अमृत रूपांतरित हम ताब आम मान जीवन परम साधना आउ चरम प्राप्ति सरीशेष समस्त मंगल पाई मोर प्रार्थना निवेदन कर रोची जय गुरु जय गुरु जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद दादा सिस्टर गोपबंधु नायक ईश्वर सत्संग शुरू बालेश्वर एंड रिटायर्ड हाई स्कूल एंड मास्टर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा सीते जो बड़े जो कथा कहती पूरा भाव भी हो जाती प्रभु कथा इतने प्रांजल भाव में कहते समस्ते जिते जहाँ चिंतार थे दुख जंत्रा थे सबकि कड़े दूरीभूत हो जाए सांगे सांगे माइंड डायवर्ट हो जाए से प्रभु आड़ को कथा समस्त हृदय को स्पर्श कै कारण सी सब प्रभु उत्सर्गित सब प्रभु अध्ययन अध्यापन करवा प्रभु चिंता करवा प्रभु कर्म करवा प्रभु कथा को इतने सुंदर भाव में हजे सुजे बुझे रंग इतने सुंदर भाव में मन प्राण दे कह हजार हजार भक्त को से प्रभु कथा शुण समस्त को से प्रभु सहित जोग युक्त करवा ये लक्ष्य ये मानसिकता नहीं दादा सब आज पर्यंत जजन कर आज टॉपिक थिला साधना साधना उपर तो दादा अनेक कथा कही अनेक उदाहरण देखते तो अनेक ज्ञान रही खूब कम समय भितर इतने सुंदर भाव में साधना उपर आलोचना कले आम समस्त आज स्तब्ध होरु आम भितर थी त्रुटि को सब आम चेष्टा करुचु संपूर्ण भाव केमती प्रभु मनलाखी मनीष हबु आई भाई साधना कले आम चरणाशित हबुर मनलाखी मनीष हबु ए प्रभु आमको यह ज्ञान शक्ति बुद्धि दि प्रभु सत्संग नगले कौन आसब सत्संग सब जोगदान करवा अनलाइन हो अफलाइन हो सत्संग जोगदान जिते मनीष कै भर से बुद्धि प्राप्त हुए सत्संग नगले तार बुद्धि आसब ना सत्संग जोगदान कर जीवन में आसे आज टिके जान ली आज कल टिके जान ली पर दिन टिके जान ली जानु 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 तार साधन उन्नति हम एकाधीन के किए साधना कर प्रभु को पाई धीरे धीरे साधना करने को पड़े आ मनुष्य साधना प्रति व्रती हो केवल केवल ही चिंता करी तांकरी कर्म करी तांकरी भावना करी जहाँ किसी करी नहीं करी से ही मोर सबकि मोर परम गुरु से ही मोर जीवन रस्ता से ही मोर भरोसा से ही मोर प्राण से ही मोर सबकि जहाँ करुच्ची करुच्ची ए परिवार ए संसार ए घर ए विश्व ए समाज ए अफिस् सबकि करुच्ची उद्देश्य नहीं कि मनोभाव नहीं कि कड़े सहीटा ही सब बेले चिंता कर प्रभु मो पाखे अच्छा मु प्रभु कर्म करुची आज सत्संग जाजन करुची आज तो सत्संग कौन सी कर्म करुच बास्तव कर्म करुची झाड़ू मारुची कि आनंद बजार परसुची कि कौन सी टेन्ट बांधुची जेको जगह अफिस कम कर सब बेले मो पाखे मो प्रभु अच्छा मु प्रभु करुची ये जी ये चिंता कै ताठ बढ़ी तो भल साधना कि ना साधना ही तांकरी खाली नाम ध्यान चिंता करी जदि मु नाम ध्यान कर देली घंटे तापर उल्टा कली कर्म सब उल्टा एडे सकाळ चानल मान कली घंटे नाम ध्यान कली नाम कली
कीर्तन कली भजन कली जा अफिस चोरी कली जाए बिजनेस कला बजारी कली क्या ठकिली कला कल दलारी कली तर कि लाभ ना कि आम जो चिंता करवा से कर्म जदि फुटे न उठेबा ताले से साधना किसी ना आम साधना करुचे आम ध्यान करुचे नाम करुचे प्रभु प्रार्थना करुचे प्रभु कथा कहुचे प्रभु कथा शुणुचे किंतु कर्मर जदि तार मोर प्रतिफल रहूनी ताले मु प्रभु को केते बुझिली केते जानिली ये कौन मोर साधना खाली शुणी गोटे करी गोटे ये कौन मोर साधना जहां शुणी ताद न करी ताले मो साधनार किसी मुक्ति न था प्रभु कहती एभली साधना सब कर्म रही तुम साधना अच्छी कौटी साधना ना सब कर्म साधना सब कर्म को तुम जदि मत नहीं चल मत चिंता कर जेकोसी कर्म करना कहीं से तुम समय साधन उपनीत हम साधन चरम मान सीमार पहुंची पार यही साधना आम करवा जो थे प्रभु तृप्त हे सारा जगत तृप्त हे प्रभु आनंदित हे जदि प्रभु आनंदित होना आपत जिते लोक देखा कर्म करते ना कहीं आप तृप्ति हो पारती किसी लोक भी तृप्ति हो पारती प्रभु केवल तृप्ति हो पारती कारण जदि प्रकृत नहंती प्रकृति के सम्मान देवनी हम तो आप समस्त ठकी दे पारे प्रकृति की ठकी पारती ना प्रकृति सब देखुची सूर्य चंद्र ग्रह तारा सब कर्म को देखुची आप चिंता प्रभु जापार मनीष चिंता करम करुच्ची कौन तार चिंता और कर्म भितर समरता ना आर चिंता और कर्म जदि सामान हो जाए सत्चिंता सत्कर्म कै से चिंता को सत्कर्म कर प्रभु मनलाखी मनीष हो जाए से समाज एक सुंदरमय शांतमय आनंदमय उठो प्रत्येक मनीष भितर भगवान लोक देखिए मनीष देखिए मनीष भितर भगवान को से भगवान राज्य होते हिंसा विदेश अशांति कौन सी दुख जंत्रा निष्पड़े हटि जीव यही तो आम साधना हाउ परम प्रेम साधना जो परम प्रेम आया कर दीनबंधु दईतारि कलिजुगे आम मान को रक्षा करने चिंता करम करुक्त होम आम करवा जे सब जगार प्रभु आशीर्वाद वर्षण करते प्रभु हसुवे मोर भक्त केते सुंदर जहाँ चिंता करुची आम भारी आज खुशी आनंद हसी हसी आशीर्वाद वर्षण ये साधना जी आम करवा आम जीवन में निजे पर सारा विश्वासी को परिवर्तन करवा आम को देखी हजार हजार कोटी कोटी लोक परिवर्तन हो जाए सारा विश्व एक सुंदर विश्व गढ़ी उठब ये हूँ आम आज तात्पर्य दादा ये सुंदर भाव में आज विभिन्न उदाहरण देक विभिन्न शास्त्र उदाहरण विभिन्न भक्त मान उदाहरण दे कही आम आज आनंदित कर दादा सर्वांगीन मंगल निम्ते मुझे प्रभु श्रीपुर प्रणाम जनाकुच परिशेष दादा और समस्त मंगल निम्ते